नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमेजिंग एक्टिविटीज। आज हम अपना नया वीडियो डालने जा रहे हैं। आज का ये वीडियो पूरा मैथ्स स्क्वायर ट्रिक्स के ऊपर बेस है, जो हम लो स्टेप्स के अंदर क्विकली कवर कर सकते हैं। तो चलिए अपना ट्रिक देखते हैं। इस ट्रिक को समझने से पहले हम नंबर को दो ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। पहले ग्रुप में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट जो 5 से शुरू होता है उसका स्क्वायर हम कैसे करेंगे, और बाद में हम देखेंगे कि कोई भी नंबर का आखिरी डिजिट 5 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे इजीली दो स्टेप में कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपना पहला नंबर 25, उस 5 का स्क्वायर यानी 25 के आगे वाला नंबर यानी 2, उसके पीछे वाला नंबर यानी 3 × 2, इसका आंसर होगा 6। तो हमारा टोटल आंसर होगा 625। चलो देखते हैं दूसरा एग्जांपल। इसका क्वेश्चन है 65 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हम देखेंगे, वो होगा वापस 25। 6 के पीछे वाला नंबर यानी 7 × 6, इसका आंसर होगा 42। तो हमारा टोटल आंसर होगा 4225। अब हम देखते हैं और एक एग्जांपल, जिसका होगा 95 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगा वापस 95। 9 के पीछे वाला नंबर का हम इसके साथ करेंगे तो 10 × 9, इसका होगा 90। तो हमारा आंसर होगा 9025। फ्रैक्शन नंबर में भी यूजफुल है, तो चलिए इसका डेमो देखते हैं। एग्जांपल लेंगे 3.5, 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद का नंबर होगा 4, तो 3 × 4, उसका अगर 12। तो अभी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही है, तो उसके दो डिजिट के आगे हम डॉट लगाएंगे तो अपना आंसर होगा 12.25। तो 3.5 का ये है अपना आंसर। एक और अपने लिए एग्जांपल लेते हैं, 7.5, 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 के बाद का नंबर है वो है 8, हम देंगे 7 × 8, उसका होगा 56। तो इसमें भी हम लास्ट दो डिजिट के आगे नंबर पॉइंट लगाएंगे तो अपना आंसर होगा 56.25। अभी हमने देखा कि कोई भी नंबर हो जिसका आखिरी डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी नंबर है उसका आखिरी डिजिट 5 के अलावा कोई भी हो उसका स्क्वायर हम इजीली दो स्टेप में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल हम लेते हैं 42, उसका हमें स्क्वायर करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला डिजिट है उसका हम स्क्वायर करेंगे जो होता है 4। अभी इधर हमें एक ध्यान रखना है कि इधर जो भी नंबर हम लिखे उसको हमें दो डिजिट में, अभी क्या करेंगे उसके आगे वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर हम करेंगे जो होता है 16। अब हम बीच में क्या करेंगे, ये जो तीनों नंबर है उसका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 का 2 के साथ होगा 8 और 8 का 2 के साथ होगा 16, तो हम इसको इधर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये 4 को हम वैसे का वैसा लिख देंगे, ये 0 को हम 6 के ऊपर कैरी करेंगे तो वो होगा 6। अभी ये 1 को हम 6 के ऊपर कैरी करेंगे जो होगा 7, और ये 1 एज इट इज, तो इसका आंसर होगा 1764। मतलब 42 का स्क्वायर हो गया 1764। इतना इजी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो है 76। 76 का स्क्वायर देखेंगे, इसका आखिरी डिजिट है 6,
सिक्स का स्क्वायर होता है 36। अभी इसका आगे वाला नंबर है उसका स्क्वायर होगा 49। अभी बीच में हम ये तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो होगा 7 का 6 के साथ 42 और 42 का 2 के साथ होगा 84। अब हमें क्या करना है, ये 6 को वैसे का वैसा रखना है, ये 3 को 4 के ऊपर कैरी करना है जो होगा 7 और ये 8 को 9 के ऊपर कैरी करना है जो होगा 17 और उसका जो 1 है वो हमें 4 के ऊपर कैरी करना है जो होगा 5। मतलब ये हमारा हो गया आंसर। तो मतलब 76 का स्क्वायर होता है 5776। तो हम यही नंबर का स्क्वायर दूसरी मेथड से कैसे इजीली कर सकते हैं वो देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला एग्जांपल है 54। 54 का हमें स्क्वायर करना है तो उसका आखिरी डिजिट है 4, इसका स्क्वायर होता है 16 जिसको हमने लिख दिया। उसके आगे वाला डिजिट है 5 जिसका स्क्वायर होता है 25, वो हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो होता है 5 का 4 के साथ 20 और 20 का 2 के साथ 40। अब इसको हमें कैसे लिखना है, ये जो नंबर हमने लिखा है उसके नीचे राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के लिखना है ऐसे 40 और फिर इसको हमें ऐड कर देना है जो होगा 6, 1, 9 और 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 54 का स्क्वायर जो होता है 2, 9, 1 और 6। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम करेंगे 97 का स्क्वायर। इसका आखिरी डिजिट है 7 जिसका स्क्वायर होता है 49 जिसको हमने लिख दिया है। उसके आगे का नंबर है 9, उसका स्क्वायर होता है 81 जो हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो होता है 9 का 7 के साथ 63 और 63 का 2 के साथ होता है 126। तो वो हमें अभी कैसे लिखना है, ये नंबर के नीचे राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के ऐसे और उसका हमें ऐड कर देना है। ये होता है 9, ये होता है 0, एक कैरी, इधर 4 और 9। तो इस ये है 97 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर होता है 9409। इसी तरह हम कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हम इजीली दो स्टेप में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच न्यू वीडियोस। प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। इफ यू लाइक दिस वीडियो लाइक एंड शेयर। स्टे होम, स्टे सेफ।